साहिल किसके रिलीज की तैयारी कर रहा है? मिट्टू। मिट्टू को तरपाल के साथ ही भेजोगे? नहीं तो उसे उड़ा देने थी कोई। गई 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 गाड़ी टूट गई। अंदर का अंदर कर साहिल। अरे तेरे को क्या लग रहा, कूदेगा? नहीं कूदेगा। अब थोड़ा शांत भी हो गया, पहले से शांत हो गया ना, पहले से बहुत शांत हो गया। तो ये इसकी चोट वो ठीक होगी ना अच्छे से? हाँ मस्त। बिल्कुल सही हो गया। इस बार तो हमने इसको वैसे भी नहीं छोड़ा ना कि ठीक है थोड़ा सा बचा है तो ऐसे छोड़ देते, नहीं, क्योंकि ये घर को दोबारा पकड़ना या वहाँ के लोगों से एक्सपेक्ट करना कि वो मैनेज कर लेंगे नहीं होगा ना। घर जा रहा है तू वापस अपने? केला है, छोले केला है। स्वीट लग रहा है। देखो ना है तो छोटा ही ना। छोटा ही दो साल का ही। बाबे प्रसादा दे के जा रहा है। संजय भैया क्या लग रहा है, ठीक ठाक पहुँच जाएंगे हम? नहीं ठीक ही पहुँचेंगे। ये कोई हरकत तो नहीं करेगा? नहीं नहीं अब नहीं करेगा। बाकी तो डर तो कहीं ना कहीं आप ही रहे हो, है ना? जब हम मिट्टू को रिलीज करने जा रहे थे तो हमें लौटते वक्त तीन रेस्क्यू करने थे, जिसमें एक डंकी और एक म्यूल तो एक ही एरिया में थे, और एक बुल भी रास्ते में हमें रेस्क्यू करना था। कहाँ पे? इसके पीनिस के ऊपर कीड़े पड़े थे ना, हम आए थे उसको पकड़ने थे। पर ये नवीन पठानी जी है, ये काफी रेस्क्यू करते हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी करते हैं ना। इन्हें बांध लिया, जख्म जो है ना खराब हो गया सारा, कीड़े पड़ गए उसको, और काफी दिनों से घूम रहा है इधर उधर। खेतों में तार वगैरह लगाई होती है ना, उसमें फंसा है शायद। ये जीप में अपने आप भेज देंगे ना वहाँ पे। अच्छा, पैसे पैसे हम दे देंगे वहाँ पे। अच्छा, लोड लोड ये कर लेंगे। अच्छा। और आती बार इनका एक बैल और उसको ट्रीटमेंट कर देंगे। आपका नया दोस्त आया, कैसा लग रहा है आपको? ये बैल को कहाँ का वुंड है? एक इसके एक ये पीनिस के पास और एक इसके ये दोनों थाई के बीच में। ओ मजनू जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो हमने उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं की थी, बस बेसिक पेन किलर्स, एंटीबायोटिक और अच्छे से ड्रेसिंग की थी, क्योंकि उस वक्त हमारे डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो जो हमारे पैरावेट टीम है उन्होंने ये सब कुछ हैंडल किया था। लिफ्ट खोल लो आप। लंबा कितना देखिए बिट्टू। गोबर तो मारता। पहचान लिया इसने अपनी जगह। ये पहचानेगा थोड़ी देर, रुको भाई। साहिल भेड़ आए तो देखियो। उस तार के साथ कर रहा है, तार के साथ कर रहा है, दोबारा जख्म ना कर ले। जन्नत में पहुंच गया। ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास खाएगा फल। चल गाड़ी को धो रहा है, घोड़ों का रेस्क्यू करना है ना आगे, पूरे रास्ते फिसलते रहेंगे। इसके जो पाँव जैसे आप देख रहे हो ना जी, इसके पाँव बिल्कुल ऐसे होते हैं, इसके जो नीज हैं बिल्कुल बेंड हो चुके हैं, इसे चलना फिरना मुश्किल है। ले जा रहे हैं इलाज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये इसके साथ ही है, साथ ही देते हैं खच्चर से। बीमार एक है, हम कोई घोड़ा काम थोड़ा करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं। आपकी मैं बात से बिल्कुल लग रही हूँ, हम ना इलाज करते हैं। इन भैया ने फोन करा था, अब ये पूछ लेते कि नहीं ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हमें इसको भी ले जाए, उसकी भी कदर करेंगे क्या सर? हम ट्रीटमेंट लेकर करेंगे, इलाज करते हैं ना। नहीं इनके मिनरल्स की कमी है, हो जाएगा ठीक। बात कर रहे हैं, अगर ये हमारी मैनेजमेंट ने एक बार पूछ लिया ना जिन्होंने फोन करा है, हमें दो मिनट हो तो ले गए, तो जो बीमार हो उसको नहीं ले जा सकते। हाँ ये नहीं बीमार है। हाँ उसको नहीं ले जा सकते ना, फिर बीमार जो उसकी टांगे भी टेढ़ी है ना, इलाज हो रहा है तो करवाने दो उनको ना, पता क्या ऐसे इन्हीं का नुकसान है। हम तो बोल रहे हैं, हम तो इंसान है, लेकिन जिसको तकलीफ लगी है प्रॉब्लम तो उसको। अब ये बोल रही हैं कि उसको भी ले जाओ साथ में। हाँ, उसका प्रॉब्लम नहीं, कोई उसको नहीं है। अब देखो जिसको प्रॉब्लम है उसको ले जाओ, उसकी टांगे ऐसे हम ट्रीटमेंट, हमको शेल्टर नहीं है। चलो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका करेंगे ना, अब वो ठीक है उसका हम क्या करेंगे।
फोन नहीं उठा रहा भाई कोई भी, ना बहनों ना छोटी। तो हमने फार्म पे बड़े फोन करे मैंने, तो फोन किसी ने उठाया क्योंकि लंच टाइम था। फिर थोड़ी देर बाद रूबिन भैया का फोन आया तो उन्होंने बोला कि आप ले आओ इसे। नहीं आएगा रट लगा रहे थे का, मुझे खुद का माने जाने का। संजय भैया यहाँ क्यों रुके हम? गाय का सींग टूट गया, ट्रीटमेंट करना है इसका। तो ये कितने दिन से है इसको? अराउंड 2 वीक्स। ये नहीं जाएगा कहीं भी, बहुत ही कीड़े पड़ गए अंदर। ट्रीटमेंट किया है इसको, पानी पुनी पिलाने पिला रहे थे और हमारे पास और तो कुछ वो था नहीं। वो तो खोखला हुआ पड़ा भाई, मैं खत्म है, स्मेल हो गई है वैसे तो बहुत ज़्यादा। मैं कितने साइल पूरे अंदर तक घुसे हैं, फिर क्या करेंगे? अभी कुछ यहाँ इलेक्शन विलेक्शन क्या था वो लफड़ा, कोई नेता आ रहा था, कौन आ रहा था? हाँ, वो G20 मीटिंग तब सारे गाय ही छोड़ दी इसने, लड़ाई में थोड़ा होगा दुखी बात। निकले कुछ मैकेट्स? हाँ अंतर के तो खाली हो गए, अंतर के निकले सारे इसके 2-3 दिन। मैं करूँगा डेफिनेटली, वो कोई दिक्कत नहीं है, जितना अगर मेरे से हो सके मैं करूँगा। 2-3 दिन करोगे इसको बड़ा आराम मिलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, साथ में शांत भी है। दवाई हम दे देते हैं हमारे पास जो है। खच्चर है कि गधे हैं? एक ही गधा है। खोलो खोलो खोलो। आइए इसमें है, इसके हैं ऐसे, ये दो थी एक मर गई है, ऐसी सेम दो थी, एक और थी, एक की डेथ हो गई है बहुत पहले। ये बता रहे हैं 40 साल की है ये। चार्ली कहाँ है? नमस्ते, और मैं क्या करता हूँ? चार्ली इनके लिए भी तैयार कर दो सर। मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल आई थी, मैंने डाइवर्ट करने की कोशिश भी की लेकिन वो हड़बड़ाए हुए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोला। उनका कहना है कि गांव में उनके कोई नोन पर्सन हैं जिन्होंने कुछ बैलों को 18 से 20 बैलों को बांध के रखा है एक जगह पे, और खाना नहीं डाल रहे, पानी नहीं डाल रहे, एक दो बैल की शायद मौत भी हो गई है वहाँ पर। और उन्होंने पूछा कि भाई करना क्या चाह रहे हो करके, तो उन्होंने बोला उनको लेके जाना है कल परसों में उसे। उनका कहना है कि मैं भेज दूंगा, अब इनको उतना समझ नहीं आया, इन्होंने बोला कि नहीं मैम मुझे लग रहा है ये कसाई वसाई के पास जाएंगे ये बैल ना। सर आप दरगीला से बात कर रहे हैं ना? हमारी टीम आ रही है तो आप अभी होंगे वहाँ पर थोड़ा गाइड करने के लिए? जब हम वहाँ पहुँचे तो मामला हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही पेचीदा था। मामला अभी भी सुलझा नहीं है, तो इस हफ्ते हमारी उम्मीद है कि हम मामले को समझ के सुलझा लेंगे और अगले हफ्ते हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। ये कार्तिक हैं, पटियाला से आए हैं धनिया को लेने के लिए, धनिया के अडॉप्टर हैं ये। फाइनली धनिया को घर मिल गया है। चलते हैं अंदर, आपको एक बार धनिया से मिला देती हूँ। हम आपके लिए कुछ लेके भी आए थे डोनेशन के लिए। अच्छा ठीक है, वो हम अभी ले लेंगे। हाँ। शायद इसको पता लग ही गया कि मेरे को ही लेना है, इसलिए आपके पास ही जा रही है। नहीं कल बच्चा आया था ये हमारे पास, अब ये 2 साल की है और 2 साल से हम जब से ये आया तब से हम इसके लिए घर ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वही होता है ना कि हर को ब्रीड वाला चाहिए। इसकी दोस्त है भिंडी, उसके साथ तो ये इतनी मस्ती करती है ना, जैसे दूसरे कुछ डॉग इसको पसंद आ जाते हैं उनके साथ ये बिल्कुल मस्ती करती है। मेरा तो दिल कर रहा भी ले जाऊँ इसको, मैं दूंगी, बहुत प्यारी डॉग है, इसके साथ टाइम चाहिए पहले, तो ही मेरे पे ट्रस्ट करेगी। ये काटनी है आपको? बहन है वो मेरी, जुड़वा ले पकड़ दो। तो अभी बिना उसके कर रहे हैं हम इसका, बिना नेट के। तुझे क्या दिख रहा है दादा? नहीं काटेगी नहीं दीदी, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं काटेगी। क्यों काटेगी? क्योंकि इसका नाम राधा है। जो काटेगी नहीं तो मजल क्यों कर रहे हो? वो तेरी मजल क्यों कर रहे थे? क्या तेरा क्या राधा, एक बार मेरा हाथ पकड़ ले गलती, जब राधा को छेड़ोगे तो वो तो मारेगी ना। अब मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगी तो उसको दर्द नहीं होगा? तो फिर काटेगी आपको? है काटेगी नहीं, बट फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। तो बेटर तो हुआ होगा दीदी इसका पहले से? हाँ। अब तो काफी वो रिड्यूस हो गया ना, साइज भी रिड्यूस हो गया ना। हम्म। तो आपने इसका ट्रस्ट कैसे जीता? देखो भाई ये तो हमारे लिए अनजान था, फिर भी ये हमारे से इतना फ्रेंडली हो गया कैसे? अगर मान लो ये ब्रीड है और पिटबुल है ना, और लोगों ने इसको काट लिया, नहीं लोगों को इसने काट लिया, बट उनको ये भी तो पता होना चाहिए क्यों काटा। अगर तुम पत्थर मारो या कुछ भी करोगे मिसबिहेव, तो अपने को डिफेंस करने के चक्कर में उसको डराने की कोशिश करता है, और कईयों की शक्लें ऐसी होती हैं।
सुधांशु भाई जैसी है ना। अब ये इसके जो भी कैचिंग करने गया होगा है ना, उसने इसके ऊपर नेट डाला, फिर तीन चार ऐसे पकड़ा से तो बात ही सोचती हूँ। अब ये इसको ये मन में बैठ गया है कि इसने जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में किया वैसे ही करेंगे, तो जैसे उनकी शक्लें दिखती है भूखना स्टार्ट कर देती आ गए नवीन भाई। अच्छा ये भी तो गया था कैचिंग पे नवीन भाई साहिल भाई। इसके थन में स्वेलिंग है? हाँ लग रही है, थोड़ा सा लगता है उसके ना टीट्स में हुआ होगा, तो बच्चे पी नहीं पा रहे होने जिसकी वजह से थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है। कुछ नहीं है, हुआ भी नहीं कुछ इसको। वे खाए भी बिट्टू इधर आओ, ऐसा करो नहीं, ये हल्दी लगा रहे। हाँ गुरु भाई कहाँ छुपे हो यो? ये ऊपर दिख भी नहीं रहे आप, हाथ तो हिला दो एक बार। हेलो, हाँ दिखे दिखे हल्के हल्के से, हाँ दिखे दिखे दिखे। साहिल यहाँ पर हम ये सनसेट क्यों लगा रहे हैं? सनसेट सनसेट बोलते हैं ना इसे, क्या बोलते हैं? शेड क्लॉथ। शेड क्लॉथ क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? कहाँ लगा रहे हैं हम? ये प्ले एरिया में खोल रहे हैं हम। खोल रहे हो? हाँ जी। मेरे को लगा आप लगा रहे हो, बताओ ना क्यों लगा रहे हो? खोल रहे हैं हम। अरे बताना सीधे मुँह बताना। यहाँ वो मॉर्निंग में डॉग आते हैं ना, हाँ जी घूमने, हाँ जी धूप जा लगती है। मॉर्निंग में धूप होती कम है ना? होती है, 12 बजे तक तो धूप होती है। अच्छा 12 बजे तक करते हैं मैनेजमेंट? हाँ 1 बजे लंच तक, लंच तक करते हैं। हाँ तो धूप होती है इसलिए लगा रहे। इसकी आँख है? आँख थी बस उसके ऊपर वो आ गए थे, जख्म हो गया उसको। तो अब इसकी आँख मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, इसकी कोई सर्जरी नहीं कुछ नहीं? सर्जरी तो होगी शायद आँख की, आँख डैमेज है। डैमेज है आँख तो, डैमेज। अच्छा मतलब दिखेगा नहीं इसको, गोली गोली बची है बस, हल्की पस आ रही है ना इसको अभी। अच्छा अभी हल्की सी पस है, सफाई करनी पड़ती है। ये न्यूस्पोरिन ट्यूब एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ओके लात वाला ऊन तो बहुत अच्छा हो गया इसका, ठीक हो गया, कैबिंग आने बची है बस इस पर। पराठा का ट्रीटमेंट तू ही कर रहा है? आते नहीं मेरे को पराठा बनाने, बनाने की नहीं कह रहा, ट्रीटमेंट नहीं कह रहा हूँ। पराठा जो कुत्ता उसका ट्रीटमेंट तू कर रहा है? मैगेट्स तो खत्म हो गए ना। तो सही लग, इसका एम्पुटेशन ही होगी ना? कब तक करेंगे हम एम्पुटेशन? अभी देखते हैं, अभी इन्फेक्शन खत्म होता है तभी इन्फेक्शन, अभी ना कल सुशी को वॉक पे ले गया था तो फार्म के जस्ट पीछे ना एक जगह थी, वहाँ पे जाली में से एक बकरी दिख रही थी साफ, तो चिल्ला रही थी बहुत बुरी तरह से, मतलब इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी कि थक गई थी चिल्ला चिल्ला के ना, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और। तो मेरा ये दिल था कि फ़ोन करूँ आप लोगों को कि उसको क्या करना, उसको यहाँ ले आए, क्या करें क्या नहीं करें। इसमें रॉबिन एक कॉमेंट भी आया यूट्यूब पे, एक इंसान ऐसी बात थी, वो बोल रहा था कि एक गाय है जिसका बछड़ा ठीक करवाने के लिए आश्रम भिजवा दिया, पर गाय अकेली होगी रोई जा रही है, तो उस इंसान का एग्ज़ाम है और वो गाय की आवाज़ सुन सुन के वो भी इमोशनल हो रहा है, तो वो पूछ रहा है अब इतना इमोशनल होता मैं जानवर की तरफ तो क्या करूँ मैं यार। ओके इसका ये देखना है आपको भाई, तुम अगर उस बकरी को छुड़ा लेते हो तुम उसको पाल सकते हो? अगर तुम पाल सकते हो तो अलग बात है, उस बंदे का भी यही है कि अगर वो गाय को ले आ सकता है तो वो कर लो, पर अगर तुम उस सिचुएशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते तो तुम्हारे को अपना फोकस कहीं और पे शिफ्ट करना होगा जिस चीज़ को तुम सॉल्व कर सकते हो। अभी थोड़ा कोल्ड साउंडिंग लगेगा पर अगर आपको इफेक्टिवली अपना काम करना है रैदर देन आप बस बॉग डाउन हो जाओ कुछ कर ना पाओ तो यही करना पड़ता है कि यू गॉट यू नो पिक योर बैटल्स। बुद्धिज्म में जैसे कहा गया कि भाई कंपैशन और विजडम को बैलेंस करके चलो, या जो सेरेनिटी प्रेयर है कि भाई जो हम चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करने के लिए भगवान हमें करेज दो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसको सहने के लिए भगवान हमें सहनशीलता दो और इतनी अकल दो कि हम दोनों सिचुएशंस में डिफ्रेंशिएट कर सकें। विक्रम को इनिशियली तो हमने अग्रेशन के इशू की वजह से रेस्क्यू किया था, जब उसको यहाँ पर लाया तो सबसे पहले उसकी कैस्ट्रेशन सर्जरी की गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, उसका अग्रेशन बिल्कुल नहीं देखने मिल रहा था, लेकिन बस स्टिक से वो बहुत ज़्यादा डर जाता था और डिफेंस में बहुत अग्रेसिव होने लगता था। जैसे उसका जब एंड का ट्रीटमेंट चलने लग रहा था तब उसको कैनाइन डिस्टेंपर के सिम्टम्स फ्लरिश होने लगे थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स थे, झाग वाले वॉमिट हो रहे थे उसे और ट्विचिंग था और बिल्कुल भी उसने खाना बंद कर दिया था। 4 से 5 दिन उसकी ट्रीटमेंट हमने कैनाइन डिस्टेंपर की शुरू कर दी थी
बहुत कोशिशों के बाद भी हम उसको नहीं बचा पाए। तांडा से हमने डॉग रेस्क्यू की थी ना, जिसका कान में मैगेट वुंड था दर्पण, उसे हमने लास्ट अभी परसों ही पालमपुर भेजा था चेकअप के लिए, क्योंकि उसके पेट में पानी भर रहा था। फिर इसका LFT KFT हुआ तो पता चला कि इसका क्रिएटिनिन 13 पहुंच चुका है। उसकी किडनी का मतलब ख़राब हो चुकी थी, पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। 13 मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। रिकवरी एरिया है वहाँ पर, क्या रात कुत्ते भौंकते हैं ना जब भी बाहर निकल के बैठती थी, तो ये स्ट्रेस फ्री रहे बोल के हमने इसको इस एरिया में छोड़ा। बहुत ही शांत डॉग थी, और जब सुबह आके देखा तो ये मतलब नीचे पड़ी थी ना जमीन पे ऐसे ही। और ओके सर, नहीं नो नो मिलेगा नहीं, जा ही नहीं मेरे पास। जाना तुम्हें आज है, जाएगी आज देसी लव देसी तड़। और ये रही हमारी देसी डॉग, देसी लोग के साथ जा रही देसी डॉग। झिलमिल भी आ रही बाय बाय करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू कहते तेरे नाल कहते थैंक यू। मैं कहूंगा आप इसके अगेंस्ट काम करो, तो आप गलत काम कर रहे हो, उल्टा करो, रिवर्स में आओ। गलत क्या कर रहा हूँ मैं? आप अपनी ही साइकेट्रिक इलनेस को दिखा रहे हैं। मानसिक रूप से मैं बीमार हूँ, आप बीमार हो। ये दो क्लिप्स फ्राइडे को जो हम स्ट्रीट इंटरव्यू डाल रहे हैं उसका प्रीव्यू था, तो आपको यूट्यूब नोटिफाई कर दे, तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा है, बेल का आइकन दबा रखा है, और ये सब अगर आप कर चुके हैं तो इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दीजिए।